हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि दोस्तों अपने मोबाइल में जीमेल अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आपका न्यू फ़ोन है या तो फिर आपके फ़ोन में जीमेल अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप अपने फ़ोन में जीमेल अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में जीमेल अकाउंट नहीं होता है तो दोस्तों आप ना ही गूगल चला सकते हैं, ना ही तो दोस्तों आपको यूट्यूब वगैरह चला सकते हैं, ना ही तो आपका प्ले स्टोर चलेगा। दोस्तों अभी मैं प्ले स्टोर भी ओपन करूंगा तो आप लोगों को लाइव प्रूफ दिख रहा होगा कि हमारे पास जो है ना कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है साइन इन करके, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन में जो है जीमेल अकाउंट किस तरीके से बनाना है, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। उनसे पहले अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन में जीमेल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में दोस्तों गूगल या तो फिर दोस्तों प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो चलिए हम अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ही ओपन कर लेते हैं और आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख जाएगा साइन इन करके। तो आपको क्या करना है दोस्तों, साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो है ना दोस्तों कुछ न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, चेकिंग इन्फो करके आपके सामने कुछ लोडिंग लेने के बाद इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके कोई पहले से जीमेल अकाउंट बना हुआ है तो आप यहां से जाके अपने जीमेल को दोबारा से लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, न्यू जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ आपको दिख जाएगा क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चिल्ड और दोस्तों यहाँ माई बिजनेस। तो दोस्तों अगर आप अपने जीमेल अकाउंट खुद के लिए बनाना चाहते हैं तो फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर बिजनेस के लिए जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों टू माई बिजनेस के ऊपर क्लिक करके आप बिजनेस के लिए जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो फाइनली मैं खुद के लिए अपने मोबाइल में जीमेल अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ आपको फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने जीमेल अकाउंट का जो भी नाम रखना चाहते हैं अपना नाम दे देना है। तो चलिए दोस्तों हम इस तरीके से जीमेल अकाउंट का नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आप सभी को यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने है ना एक डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा जनरल। तो दोस्तों जनरल के ऊपर क्लिक करके अगर आप मेल है तो मेल पर क्लिक कीजिए, अगर आप फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कीजिए। तो मैं मेल हूँ तो मेल के ऊपर क्लिक करके और दोस्तों यहाँ आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि दोस्तों आप अपने जीमेल को अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ आपको यूज़ मोबाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा यस यूज़र नंबर, तो आपको इनके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना काम करने के बाद अब आपके पास जो है ना कुछ न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से आपको नीचे आने के बाद दोस्तों आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है ना। इतना काम करने के बाद यहाँ आपको ये बताया जाता है कि आप अपने जीमेल का एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो चलिए फटाफट मैं अपने जीमेल का एक अच्छा सा पासवर्ड को ऐड कर लेता हूं। तो चलिए इस तरीके से हम लोग अपने पासवर्ड को ऐड कर लेते हैं। पासवर्ड ऐड करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आप सभी को क्या करना है दोस्तों, यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा दोस्तों नेक्स्ट, तो आप सभी को क्या करना है दोस्तों यहाँ आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद फिर उस ऊपर स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो है कुछ न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो दोस्तों आपको वेट करना है कुछ सेकेंड तक। तो फाइनली अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है ना जीमेल अकाउंट बन के तैयार हो चुका है। अब आप सभी को एक्सेप्ट पर ऊपर क्लिक कर देना है। ये हो चुका है दोस्तों, अभी आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में अभी जो है ना साइनिंग करके आता था, लेकिन अभी लाइव प्रूफ मैंने अपने फ़ोन में जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब दोस्तों हमारा ये जीमेल अकाउंट बन चुका है। अब प्ले स्टोर से जाके आप कुछ भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ोन पे प्ले मतलब कोई भी ऐप आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपका यूट्यूब भी चलेगा, गूगल भी चलेगा, प्ले स्टोर भी चलेगा। तो फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन में इस तरीके से जीमेल अकाउंट बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, जो कि आज मैं इस वीडियो में बता दिया हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।